लोकसभा में आज वजीर दाखिला अमित शाह मुल्क में मनुष्यात के इस्तेमाल के मसले पर जाब्ता 193 के तहत होने वाली बहस का देंगे जवाब। राज्यसभा में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर बहर कजाकी मुखालिफ बिल बहस और मंजूरी के लिए करेंगे पेश। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया मुतादद ममालिक में कोविड-19 के हालिया बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र सूरत हाल का लेंगे जायजा। कल वजारत सेहत ने तमाम रियासतों को रोजाना की बुनियाद पर तमाम मस्बत नमूने जेन्यूम सीक्वेंसिंग लैब्स में भेजने का दिया था मशवरा। शुमाली भारत में सर्द लहर का कहर जारी, अगले चंद दिनों में दिल्ली NCR में पारा मजीद गहरा गिरने का इम्कान। पंजाब में सर्दी और धुंध की वजह से स्कूलों के औकात में की गई तब्दीली, शुमाली भारत के मैदानी इलाकों में छाई रही घनी धुंध। मोदी हुकूमत के जरिए मुल्क में खिलौनों की सनत को फरोग देने का दिखाई देने लगा असर। पिछले 5 सालों में खिलौनों की दरामद में मुसलसल कमी के बाद भारत अब हर किस्म के खिलौनों का बना बरामद कुनंदा। चीन के मुकाबले भारत ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा है बरामदात। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने तालिबान के यूनिवर्सिटी में दाखिले पर लगाई पाबंदी। पाबंदी यूनिवर्सिटी के दाखिले इम्तहान से तकरीबन 3 माह कबल लगाई गई। अमेरिका, बरतानिया और अक्वामी मुत्तहिदा ने तालिबान के इस इक़दाम की शदीद मजम्मत की। भारत ने अक्वामी मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान में ख्वातीन और लड़कियों के हकूक समेत इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों पर किया तश्वीश का इजहार। तालिबान और अलकायदा के ताल्लुकात बरसगीर पाक व हिंद के लिए करार दिया खतरा। अफगानिस्तान में अफीम की काश्त पर भी किया तश्वीश का इजहार। रोहित शर्मा भारत और बांग्लादेश के दरमियान मीरपुर में कल से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से कबल टेस्ट टीम से बाहर। रोहित अभी तक अंगूठे की चोट से नहीं हुए सेहतयाब। पहले टेस्ट में भी चोट की वजह से ग्राउंड पर नहीं आए थे रोहित। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में आज दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी के काम फहरिस्त बंद हैं। आज लोकसभा में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुल्क में मनुष्यात के इस्तेमाल के मसले और हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम पर जाबता 193 के तहत बहस का जवाब देंगे। कल लोकसभा में बहस में मुख्तलिफ पार्टियों के अरकान पार्लियमान ने हिस्सा लिया। इसके अलावा कबाइली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा आज लोकसभा में आइनी शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 5वीं तरमीमी बिल 2022 पर बहस और उसे पास करने की तजवीज पेश करेंगे। इसके अलावा वजीर कानून किरण रिजिजू ऐवान में मनसूखी और तरमीमी बिल 2022 पर बहस करने और उसे पास करने की तजवीज पेश करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन राज्यसभा में बिल 2022 पर बहस का जवाब देंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर बहरी कजाकी मुखालिफ बिल को बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। लोकसभा पहले ही इसे पास कर चुकी है। इसके अलावा कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा आइनी शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 2nd तरमीमी बिल 2022 को बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। दुनिया भर के कई ममालिक में कोरोना एक मरतबा फिर सरगर्म हो रहा है। हालिया दिनों में जापान, जनूबी कोरिया, ब्राज़ील, चीन और अमेरिका जैसे ममालिक से कोविड-19 के केसेस में इजाफे की खबरें मिल रही हैं। दरअसल मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया आज मुल्क में वबाई सूरत हाल का जायजा लेंगे। सेहत, आयुष, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी शोबे के सेक्रेटरी, तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल यानी ICMR के डायरेक्टर जनरल राजीव बहल, नीति आयोग के रुकन वीके पाल और टीकाकारी पर कौमी टेक्निकी और NL अरोड़ा NTAGI के चेयरमैन NL अरोड़ा दीगर सीनियर अफसरान मीटिंग में शिरकत करेंगे।
इससे कबल मंगल को वज़ारत सेहत ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों पर जोर दिया कि वो वायरस की नई अकसाम को ट्रैक करने के लिए मुतासर नमूनों की जेनियम की तरतीब को बढ़ा दें। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को लिखे गए ख़त में वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि इस तरह की मशक मुल्क में वायरस की नई अकसाम का बर वक्त पता लगाने और सेहत आम्मा के ज़रूरी इकदाम को यकीनी बनाएगी। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिया के चेयरमैन एन के अरोड़ा ने कहा कि भारत में कोरोना टीकाकारी बहुत वसी तरीके से की गई है और भारत कोविड-19 के बारे में बहुत मोहतात है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न देर आर 3 or 4 थिंग्स विच वी नीड टू कीप इन माइंड। वन इज दैट इंडिया इज एक्सटेंसिवली इम्यूनाइज्ड। There is several data which indicates that so Indian population is immunized with what we call as hybrid immunity. The INSACOG data shows that almost every subvariant of Omicron which is found anywhere else in the world is also found in India. So there are not many subvariants which are not circulating here. Almost everything is circulating. There is no need for getting too much worried on this issue. The system is very vigilant. We are doing genomic surveillance of individuals with symptoms. We are also doing surveillance from sewage and from hospitalized individuals. The situation in India is under control, but we need to maintain vigil, particularly for surveillance. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड के तमाम किस्मों के बारे में भी रिपोर्ट्स आई हैं। वी हैव वीकली रिपोर्ट्स ऑन INSACOG एंड वी आर अपडेटेड ऑन वेरी रेगुलरली बेसिस व्हाटएवर वेरिएंट्स ओमिक्रॉन वेरिएंट्स आर सर्कुलेटिंग इन द मोमेंट। वी डोंट सी एनी न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न एनी टाइम एनीवेयर इन द कंट्री। And our profile of variants is very similar to the variants found in other parts of the country. Here, I would also say that some of the Omicron variants were causing more severe disease and death in Europe and North America. But those sub-variants were not very virulent. शुमाली भारत में सर्दी की लहर जारी है। दो दिन से घने कोहरे के सबब शुमाली भारत के मैदानी इलाकों में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों में दिल्ली में कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में बिलतरतीब 5 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस रहने की पेश गोई की है। दरअसल पंजाब और हरियाणा के लिए महकमा मौसमियात के चंडीगढ़ मरकज़ ने दो दिन के लिए सर्द लहर का रेड अलर्ट जारी किया है। सर्दी और बढ़ती धुंध के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने रियासत के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के खुलने के औकात में तब्दीली कर दी है। अब तमाम स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे। सरकारी स्कूलों के खुलने का वक्त सुबह 9 बजे था जबकि प्राइवेट स्कूलों के औकात मुख्तलिफ हैं। इधर पूरे कश्मीर में सर्द लहर शिद्दत अख्तियार कर गई है। 40 दिन का सख्त तरीन सर्दी का दौरानिया चिले कला आज से शुरू हो गया है जो 30 जनवरी तक जारी रहेगा। चिले कला शुरू होने से एक दिन कबल दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मैदानी इलाकों में सर्दी का असर उत्तर प्रदेश बिहार में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने घने कोहरे और उसकी वजह से होने वाले हादसात के पेश नज़र रियासती ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों का ऑपरेशन कल रात से रोक दिया है। मुल्क में खिलौनों की सनत तेजी से तरक्की कर रही है। मरकज की मोदी हुकूमत खिलौना सनत पर खास तवज्जो दे रही है। चीन में बने खिलौनों पर लगाम लगाने के बाद अब भारत आलमी मार्केट में भी मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। भारत ने गुज़श्ता 5 बरस में खिलौनों की दरामदाद में मुसलसल कमी की है और अब वो हर किस्म के खिलौनों के खालिस बरामद कनंदा के तौर पर उभरा है। माली साल 2022 में खिलौनों के मामले में जहां भारत ने $150 मिलियन से ज़्यादा की बरामदाद की है वहीं 5 साल पहले वो $290 मिलियन से ज़्यादा के खिलौने दरामद करता था। इसके पीछे मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों का असर नज़र आ रहा है। मरकजी हुकूमत अब खिलौनों के कारोबार को 3,500 करोड़ रुपये का बूस्टअप देने के मनसूबे पर
काम कर रही है ताकि घरेलू खिलौनों की पैदावार को आलमी सतह पर मुसाबिकती बनाया जा सके। मरकज 3,500 करोड़ रुपए की पैदावार से मुंसलिक खिलौनों को PLI का फायदा देने पर गौर कर रहा है। तहम ये फायदा सिर्फ उन लोगों को दस्तियाब होगा जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मैार के मुताबिक होंगे। देसी खिलौनों के लिए PLI हुकूमत की जानिब से खिलौनों की सनत के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर मुतारिफ कराने और कस्टम ड्यूटी को 20% से कम करके 60% कम करने से मुल्क में गैर मयारी दरामदात को कम करने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग देने में मदद मिली है। भारत पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से खिलौने बरामद कर रहा है। आदादोशुमार के मुताबिक भारत की बरामदात वियतनाम, चीन, नीदरलैंड और चेक जमहूरिया से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले बलदियाती इंतखाबात के सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज समाअत होगी। बलदियाती इंतखाबात में OBC रिजर्वेशन के नफाज के मामले में अदालत ने इंतखाबी नोटिफिकेशन के नफाज पर लगी पाबंदी में एक दिन की तौसी कर दी थी। अगर हाई कोर्ट का फैसला हुकूमत के हक में आता है तो जनवरी के महीने में इंतखाबात कराए जा सकते हैं, लेकिन अगर दरख्वास्त गुजारों के हक में आया तो बलदियाती इंतखाबात अप्रैल से मई 2023 तक मुलतवी किए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट का फैसला हुकूमत के हक में आता है तो दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO में 12,94,000 नए मेंबर बनाए गए हैं। तंजीम की जानिब से जारी करदा आर्जी तनख्वाह के आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल के अराकीन की तादाद में 21,026 का इजाफा हुआ है। वजारत मेहनत और रोजगार के मुताबिक शामिल किए गए 12,94,000 अराकीन में से 7,28,000 नए अराकीन हैं जिन्हें तंजीम ने पहली बार शामिल किया है। इनमें ज्यादा से ज्यादा 2,19,000 मेंबरान 18 से 21 साल की उम्र के हैं, जबकि 57.25% मेंबरान 18 से 25 साल की उम्र के ग्रुप में शामिल हैं। वजारत ने कहा कि ये आदाद व शुमार बताते हैं कि पहली बार मुलाजमत के मुतलाशी अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुनज़्ज़म शोबे में जा रहे हैं और नई मुलाजमतें मुल्क के नौजवानों तक बड़े पैमाने पर पहुँच रही हैं। वजारत के मुताबिक तकरीबन 5,66,000 अरकान ने अपनी मुलाजमतें छोड़कर तंजीम के हर दूसरे इदारे में दोबारा मुलाजमतें हासिल की हैं। रियासत के हिसाब से तनख्वाह के आदाद व शुमार से पता चलता है कि केरला, मध्य प्रदेश और झारखंड में तंजीम की रुकनियत हर माह बढ़ रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा में एक माह में तकरीबन 7,78,000 मेंबरान का इजाफा किया गया, जो कि तमाम उम्र के ग्रुपों के कुल मेंबरान का 60.15% है। मंजिल इन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। इस कहावत को सच करके दिखाने की कोशिश कर रही हैं बरेली के ढबूरा गंगापुर की टीचर दीपमाला पांडे। इससे कबल उन्होंने बच्चों की नाखानदा माओं को तालीम देने का बीड़ा उठाया था, लेकिन इस बार दीपमाला पांडे वन टीचर वन कॉल मुहिम के तहत खसूसी बच्चों यानी जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों को तालीम देने के लिए एक अनोखा कदम उठाया है। आपको बताते चले कि ढबूरा गंगापुर की टीचर दीपमाला पांडे मुसलसल इन बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने की कोशिश कर रही हैं ताकि माजूर और जहनी तौर पर माजूर बच्चों को तालीम दी जा सके और उनके मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए मोहल्ला क्लासेस का क्याम अमल में लाया जा सके। एक सरकारी स्कूल में आम बच्चों के साथ पढ़ते मासूर बच्चे, ये मंजर है उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के डभोरा गंगापुर प्राइमरी स्कूल का। इन बच्चों की जिंदगी में रोशनी लाने का काम कर रही हैं स्कूल की टीचर दीपमाला पांडे। दीपमाला ने स्कूल में कुछ साल पहले एक मासूर बच्चे को पढ़ाने के साथ इस तरह के दिगर बच्चों को भी तालीम याफ्ता बनाकर समाज के मरकजी धारे में लाने की पहल की थी। 2008 से ही माजूर बच्चों के लिए काम करने वाली दीपमाला ने दीगर टीचरों को मुतासिर किया और वन कॉल वन टीचर मुहिम शुरू की। इनके लिए माजूर बच्चों की शनाख्त करके उन्हें स्कूल लाना और फिर उन्हें आम बच्चों के साथ पढ़ाना एक बड़ा चैलेंज था। जब हमने एनालिसिस किया तो हमें लगा कि समस्याएं क्या हो रही हैं। पेरेंट्स जो हैं उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा या वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। टीचर्स के साथ समस्या ये थी कि हम स्पेशल बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है, तो
तो इस वजह से कई सारे टीचर्स जो हैं वो भी अपनी इनसेंसिटिविटी में कह सकते हैं या अनअवेयरनेस में वो भी मना कर देते थे कि शायद ये बच्चे जो हैं वो स्पेशल स्कूल्स में ही पढ़ेंगे। दीपमाला अभी तक 800 माजूर बच्चों को स्कूल ला चुकी हैं। वो वन कॉल वन टीचर मुहिम के तहत माजूर बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के साथ ही दीगर असातिज़ा को भी अपने स्कूल में कम अज कम एक बच्चे को स्कूल तक लाने के लिए तरगीब देती हैं। उनकी मेहनत रंग ला रही है। उनकी ये मुहिम अब आसपास के दीगर स्कूलों में भी जोर पकड़ चुकी है। वन टीचर वन कॉल का मतलब ही ये था कि एक टीचर कम से कम एक टीचर को मोटिवेट करे कि आप ऐसे बच्चों को अपने आसपास के एरिया में ढूंढिए और उन्हें अपने स्कूल में एडमिशन जरूर दिलाइए। तो इस तरह से हमने बच्चों के एडमिशन पे वर्क स्टार्ट किया और वो अभी तक कंटिन्यू है और लगातार ऐसे बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूल में ना सिर्फ एडमिशन ले रहे हैं बल्कि उनका इंक्लूजन जो है वो भी बढ़ रहा है। तालीम हर बच्चे का हक है लेकिन कई वजूहात की बिना पर माजूर अफराद इस हक से महरूम रह जाते हैं। खासतौर पर देही इलाकों में उनकी तालीम का इंतजाम बहुत मुश्किल से होता है। ऐसे में दीपमाला पांडे जैसी असातिज़ा की कोशिशों से ये बच्चे भी पढ़े लिखे माशरे में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, उर्दू खबरें। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने तालिबात के यूनिवर्सिटी में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि ये पाबंदी अगले अहकाम तक जारी रहेगी। अफगानिस्तान की आला तालीम की वजारत के तर्जमान ने इस हुक्म की तस्दीक की है। वजारत तालीम की जानिब से जारी एक खत में कहा गया है कि काबीना की मीटिंग में किया गया फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटियों समेत तमाम इदारों को हिदायत दी गई है कि वो पाबंदी पर की गई कार्रवाई से वजारत को आगाह करें। अफगानिस्तान ने यूनिवर्सिटी के दाखिले इम्तहानात के तकरीबन 3 महीने बाद तालिबात के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जबकि मुल्क भर में हजारों लड़कियों और ख्वातीन ने दाखिला इम्तहान में शिरकत की थी। इनमें से ज्यादातर तालिबात मुस्तकबिल में तदरीस और मेडिकल की तालीम हासिल करना चाहती थीं। न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की अफगानिस्तान पर मीटिंग बाद तालिबान इंतजामिया ने इसका ऐलान किया है। अक़वामे मुत्तहिदा में अमरीका और बरतानिया के सफीरों ने इस इकदाम की मजम्मत की है। अक़वामे मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुजारिक ने कहा कि ये इकदाम तालिबान की एक वादा खिलाफी है। अक़वामे मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल रुकन रुचिरा कंबोज ने अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान पर बातचीत के दौरान भारत का मौक़िफ़ रखा। अफीम की काश्त तालिबान अलकायदा के रवाबित और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर तश्वीश का इजहार किया। रुचिरा कंबोज ने सलामती कौंसिल को बताया कि तालिबान और अलकायदा के दरमियान नज़दीकी रवाबित बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि काबुल में इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तालिबानी है। कंबोज ने कहा कि मई 2022 को 1988 की कमेटी की अपनी ताज़ा रिपोर्ट में मॉनिटरिंग टीम ने पाया कि अक़वामे मुत्तहिदा के मंजूर शुदा 41 अफराद तालिबान इंतजामिया में काबीना और आला हदों पर फाइज हैं। अब यह तादाद 60 से ज्यादा बताई जा रही है। रिपोर्ट में इस बात पर तश्वीश का इजहार किया गया कि जब से तालिबान ने इख्तदार संभाला है उस ग्रुप ने पॉलिसियों को तब्दील कर दिया है और इख्तदार संभालने से पहले किए गए वादों से पीछे हट गए हैं। कंबोज ने कहा कि ख्वातीन के हकूक समेत इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों पर भी तश्वीश का इजहार किया गया है। कंबोज ने कहा कि अफीम पोस्ट की काश्त अफगानिस्तान में सबसे बड़ी गैर कानूनी इक्तसादी सरगर्मी बनी हुई है जिसमें मिफाटाइन मनशियात की पैदावार और स्मगलिंग उरूज पर है। उन्होंने बताया कि तालिबान की जानिब से अप्रैल में अफीम पोस्ट की काश्त समेत मनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग पर पाबंदी की अहकाम जारी किए जाने के बावजूद अक़वामे मुत्तहिदा ने 2021 के दौरान अफीम की काश्त में 32% इजाफा रिकॉर्ड किया। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़े बन्नू काउंटर टेररिज्म सेंटर में फ़ौज ने ऑपरेशन करके तमाम अगवा किए गए लोगों को रिहा कर दिया है। अगवा शुदगान की रिहाई के लिए अफसरान ने फौजी कार्रवाई की। पाकिस्तानी फ़ौज के हमले में तहरीक तालिबान के 33 दहशतगर्द मारे गए। फौजी ऑपरेशन के दौरान पाक फ़ौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप के 2 कमांडो भी मारे गए हैं। दरहकीकत पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने अफसरान को TTP के कब्जे से छुड़ाने के लिए 2 दिन तक मज़ाकरात किए जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। और बैनुल अक़वामी खबरों में
रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू होने के तकरीबन 10 माह बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का व्हाइट हाउस का दौरा मुतवक्के है। जंग के आगाज के बाद ज़ेलेंस्की के पहले ऐसे दौरे के बारे में बताते हुए अमेरिकी मीडिया ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात मनसूबाबंदी को तब्दील करने पर मजबूर कर सकते हैं। उम्मीद है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों की कांग्रेसी क़यादत और कौमी सलामती कमेटी के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। इत्तला के मुताबिक वो कांग्रेस के मुश्तर का इजलास से भी खिताब कर सकते हैं। अमेरिका के शुमाली कैलिफोर्निया में गुज़श्ता रोज जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेख्टर पैमाने पर जलजले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। जलजले से शहर में एक पुल और कई सड़कों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 2 अफराद जख्मी हुए हैं और हजारों घरों की बिजली मुनक़ हो गई है। जलजला सान फ्रांसिस्को से 350 किलोमीटर शुमाल में आया। जलजला इतना शदीद था कि उससे शहर में गैस का अखराज हुआ, बिजली की तारें गिर गई और एक इमारत में आग लग गई। तहम आग जल्दी काबू पा लिया गया है। इसके अलावा 2 इमारतें भी गिर गईं। हुक्काम ने बताया कि जलजले के बाद महकमे को 70 हंगामी कॉलें मौसूल हुई। फिलहाल जलजले से किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मगरबी रूस के चवाशिया जमहूरिया में एक बड़ी गैस पाइपलाइन में होने वाले जोरदार धमाके में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। मकामी इलाका गवर्नर के मुताबिक धमाका यूरेंसी पोमोरी यूजे ग्रोट पाइपलाइन की मरम्मत के दौरान हुआ, जिसे ब्रदरहुड पाइपलाइन भी कहा जाता है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तस्वीर में बर्फ से ढके एक गांव में 2 मंजिला इमारतों पर आग का एक बड़ा गोला गिरता हुआ दिखाई दिया। पाइपलाइन जो रूस से यूरोप तक गैस के अहम राब्तों में से एक है, ये यूक्रेन से होकर गुजरती है। साइंस से मुतालिक खबरों में आज हम ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ यानी मरजानी जल पत्थर के तहफ्फुज के लिए तैयार की जाने वाली एक अजीम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। दुनिया भर के समंदरों में रहने वाले जानदारों के तहफ्फुज के लिए मरजानी जल पत्थर इंतहाई अहम है, लेकिन समंदरों में बढ़ते हुए दर्जे हरारत की वजह से मरजानी जल पत्थर खत्म होता जा रहा है। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोरल रीफ का खतरा तश्वीश का बाइस बना हुआ है। कोरल रीफ को मरजानी जल पत्थर भी कहा जाता है। इनकी वजह से समंदरों में कई जी रुख जिंदा रहती हैं। अब इन कोरल रीफ के तहफ्फुज के लिए ऑस्ट्रेलिया के हयातियाती साइंसदान एक खास टेक्निक तैयार कर रहे हैं। हयातियाती साइंसदान कोरल रीफ के अंडों को एक नई टेक्निक की मदद से इकट्ठा करके उन्हें मुस्तकबिल के लिए महफूज कर रहे हैं। क्रायोमेश नामी इस टेक्निक की मदद से कोरल रीफ यानी मरजानी जल पत्थर लावा को इकट्ठा करके फौरन -196 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज किया जा सकता है। कोरल लार्वा को फ्रीज कर पाना चीजों को बिल्कुल बदलने वाला है, क्योंकि अब हमें पूरे साल के दौरान लार्वा उपलब्ध रहेगा। ये नई तकनीक कोरल रीफ के रेस्टोरेशन के लिए चल रहे प्रयासों में बेहद मददगार साबित होगी। यदि हम कोरल की जैव विविधता और उनकी जेनेटिक विविधता को बचा लेते हैं तो हमारे पास भविष्य में रीफ को रीस्टोर करने का तरीका होगा, और ये तकनीक कोरल रीफ के लिए भविष्य में गेम चेंजर साबित होगी। समंदर में साहिलों के नजदीक पाई जाने वाली मरजान की चट्टाने कैल्शियम कार्बोनाइट से बनी होती हैं। इन चट्टानों की सख्त सतह के अंदर अलामत के तौर पर रंगीन एल्जी जूजेंथली पाए जाते हैं। मोरल रीफ को समंदरी जिंदगी का तनवो का हॉट स्पॉट और समंदर का रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। कोरल रीफ यानी मरजानी जल पत्थर समंदरी माहौल में 1% से भी कम पाए जाते हैं, लेकिन तकरीबन 25% समंदरी जिंदगी इन्हीं पर मुनहसर है। अलावा अजीब समंदर के बढ़ते दर्जे हरारत और समंदरी आलूदगी के सबब पूरी दुनिया में मरजानी जल पत्थर और समंदरी जानदारों को बड़ा खतरा लाहक है। ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल पर दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ यानी कोरल द ग्रेट बैरियर मौजूद है, जिसके तहफ्फुज के लिए साइंसदान काम कर रहे हैं। साथ ही पूरी दुनिया के समंदरों में मौजूद मरजानी जल पत्थर को बचाने के लिए बेदारी पैदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। भारतीय क्रिकेट टीम के रेगुलर टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा अंगूठे की चोट से मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं हुए, जिसकी वजह से वो पहले टेस्ट से बाहर हो गए थे और
अब वो बांग्लादेश के खिलाफ जुमेरात से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गई हैं। फास्ट बॉलर नवदीप सैनी दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए। इनके आसाब में खिंचाव है, इसकी तस्दीक बीसीसीआई ने भी की है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वनडे सीरीज के दूसरे मैच के दौरान जख्मी हो गए थे। फील्डिंग के दौरान उनके अंगूठे पर चोट लगी थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान खेले गए पांचवें मैचों की टी20 सीरीज का पांचवा और आखिरी मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 1-4 से अपने नाम कर ली। मुंबई के ब्रावोन स्टेडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रा 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एशले गार्डनर ने और ग्रेस हैरिस ने शानदार निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। जवाब में भारतीय टीम 142 रन बना सकी और ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 54 रन से जीत लिया। भारत की जानिब से दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 53 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीरीज का सिर्फ दूसरा मैच जीतने में कामयाब रही। और नाजरीन अब एक नजर दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। जायजे लेते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का। सबसे पहले जायजा लेंगे रोजनामा हमारा समाज का। इसने सफे अव्वल की अहम सुर्खी इस तरह बनाई है, मुल्क में मोटे अनाज को फरोग देने के लिए आवामी तहरीक शुरू की जानी चाहिए। ये बात कही है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से कहा कि वो अपनी खुराक में ज्वार बाजरा जैसे मोटे अनाज का इस्तेमाल करें और मुल्क में भी इसके रवाज को फरोग देने के लिए एक अवामी तहरीक शुरू करें। जायजा लेंगे रोजनामा इनकलाब के सफ़े स्पोर्ट्स का, जिसने अपनी अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है, फातह टीम की एक झलक पाने के लिए शायकीन का जम गफीर। 36 बरस बाद आलमी खिताब के साथ वापस लौटे अर्जेंटीना की टीम का शानदार इस्तकबाल। मेसी की टीम ने फाइनल में फ्रांस को शिकस्त देकर तीसरा आलमी कप जीता। जायजे लेंगे रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के आईने आलम के सफ़े का, जिसने अपनी अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना हमले रोकें तालिबान। ये बात कही अक्वामे मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने। दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, दफाई बजट में इजाफे पर जापान को शुमाली कोरिया की कार्रवाई की धमकी। और एक अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, सिर्फ ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर सोशल मीडिया पोल्स में वोट दे सकते हैं। ये बात कही है एलन मस्क ने। तो नाज़रीन, ये था आज के उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। और अब मुल्क भर के मौसम का मिजाज। इसी के साथ 9 बजे का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए, आदाब।